थ्री फैक्टोरियल है बोर्ड पर, रिप्रेजेंट 9.3 रूट अंडर 9.3 ऑन द नंबर लाइन, अभी बोर्ड पर ठीक है? मेरी आवाज सुन रहे हो ना? अभी भी ठीक नहीं है? चलिए, तो ए बी आप जो रूट के अंदर है वो लेंथ हम ए बी ले लिए, कितना ले लिए ए बी का लेंथ आपका, वही पूछ रहे कौन चैप्टर पढ़ा रहे हैं, 1.5, देखो यहां लिखा हुआ है चैप्टर 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4। तो जो रूट के अंदर लेंथ है वो हम ले लिए 9.3 और 1 यूनिट और आगे प्रोड्यूस कर दिए, कितना प्रोड्यूस किए 1 यूनिट। नाउ फाइंड मीड पॉइंट ऑफ एसी, मीड पॉइंट ऑफ एसी इज ओ। नाउ ओ ए एज ए रेडियस, ओ एज द सेंटर, ड्रॉ ए सेमी सर्किल एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर बी डी ऑन द पॉइंट बी या एट द पॉइंट बी, हम बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। ओके, तो अगर इधर आप ए बी का लेंथ था 9.3 तो बताओ बी डी क्या होगा, बी डी का लेंथ क्या होगा, रूट अंडर 9.3 आएगा, रूट अंडर 9.3 आएगा और इसी लेंथ को इस नंबर लाइन पर प्रोड्यूस कर देते हैं बी ई, यानी बी ई इज इक्वल टू रूट अंडर 9.3 यूनिट। और ये इसी को आपको प्रूव करना है, अगर ए बी इज इक्वल टू 9.3 तो बी डी कैसे हो गया रूट अंडर 9.3, इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे इसको प्रूफ करेंगे, तो पहले आप फाइंड करो इस ए बी का लेंथ है, ए बी इज इक्वल टू 9.3 यूनिट और इसको ज्वाइन कर दो ओडी से, किससे ज्वाइन किए, तो ओ बी डी इज राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें ओ ए, ओ ए इज इक्वल टू 9.3, ओ ए इज इक्वल टू 9.3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये क्या लेंथ आ गया ओ ए का, जो ओ ए होगा वही ओ डी होगा, यानी ओ ए इक्वल टू ओडी भी आप लिख सकते हैं इसको, चूंकि ये सब रेडियस है, ये क्या है रेडियस है। दूसरा फाइंड करना है ओ बी, तो ओ बी इक्वल टू, ओ बी निकालना हो तो ए बी में ए बी माइनस ओ ए, ए बी माइनस ओ ए कर दिए, क्या किए इस ए बी में हमको ओ बी फाइंड करना है, ए बी माइनस ओ ए, ए बी का लेंथ, ए बी का लेंथ आपको मालूम है 9.3 माइनस ओ ए का लेंथ मालूम है 9.3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, 9.3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। अब आप इसका एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो आएगा ओ बी इक्वल टू 9.3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इन राइट ट्रायंगल ओ बी डी में, इन राइट ट्रायंगल ओ बी डी में, ओ बी डी देख रहे हो जिसका दो साइड मालूम है आपका, इसमें दो साइड मालूम है
और हमको थर्ड मालूम करना है, दो साइड कौन कौन मालूम है, ओ भी मालूम है और हाइपोटेनस ओडी मालूम है, तो बी डी इजकल टू या बी डी का स्क्वायर इजकल टू ओ बी स्क्वायर सॉरी ओडी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर, ओडी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर, और ओडी मालूम है, ओडी अभी क्या निकाले हैं 9.3 प्लस 1 बाय 2, ओडी स्क्वायर इज कर दो 9.3 प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस, और ओबी इज कर दो निकाले हैं 9.3 माइनस 1 बाय 2, 9.3 माइनस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है और बी डी स्क्वायर आया हुआ है आपका इतना, और हमको बी डी इज इक्वल टू लाना है 9.3 प्रूफ करना है, क्यों ऐसा होता है वही आपको दिखाना है यहां पर। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आप 2 का स्क्वायर 4 है डिनोमिनेटर में, यहां भी 2 का स्क्वायर 4, अगर आप नीचे एलसीएम ले लो 4, इस 4 से डिवाइड करेंगे 1 और 1 इंटू 9.3 प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 9.3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में इसको अरेंज कर दो, ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, देखो ए प्लस बी, पहले ए को लिख दिए 9.3 प्लस 1 प्लस बी 9.3 माइनस 1 और इंटू ए माइनस बी 9.3 प्लस 1, और इसमें माइनस प्रोडक्ट करोगे तो माइनस 9.3 और माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4, देखो इसमें माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, इसमें माइनस 9.3 प्लस 9.3 कैंसिल, दोनों को प्लस करोगे तो 9 प्लस 9 18.6 और इंटू और 1 प्लस 1 2 बाय 4, 2 इंटू 2 4 और इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 9 टू जा 18 9.3, यानी बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 9.3। अब बताओ अगर बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 9.3 तो बी डी इज इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर 9.3 होगा, रूट अंडर 9.3 आ गया इसका कैलकुलेशन, तो आप देखोगे क्या यही 9.3 आया, बी डी इजकल टू तुम्हारा प्रूफ हुआ बी डी स्क्वायर इजकल टू 9.3, तो स्क्वायर को राइट साइड लाएंगे तो रूट अंडर आ जाएगा, रूट अंडर 9.3 हो गया। तो मेन आपको कोई जरूरी नहीं कि प्रूफ करना ही आएगा, लेकिन हम बता दिए कि जो लेंथ लोगे ए बी वही लेंथ रूट अंडर आ जाएगा बी डी, आपका एक्स का भी बताए थे और यहाँ 9.3 का भी हम बता दें, समझ में आ गया ये क्वेश्चन। हेलो तो ये ऐसा इस टाइप का भी कंस्ट्रक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, ठीक है, इसी का क्वेश्चन नंबर 4 बताए, इसको थर्ड बताया ना अभी जो बताया, क्वेश्चन नंबर 4 बताया, 5 में आते हैं। हाँ तो 4 एक्चुअल में हम प्रीवियस क्लास में बता चुके थे, लेकिन इसका आज प्रूफ बता दिए, तो ये प्रूफ भी जानना चाहिए कि क्यों रूट अंडर हो जाता है ना, और रूट अंडर वो जो सीख गया आसानी से कंस्ट्रक्शन हम बना लेंगे, और इसको कंपास से आप लोगों को बनाना है जो आज बताए, कंपास स्केल पेंसिल का यूज करके इसको बनाना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, इसी एक्सरसाइज में 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5, स्लाइस द डिनोमिनेटर
इस टाइप का नेशनलाइजिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन से आप एबी भी निकाल सकते हो, और प्रीवियस क्लास में या आगे जो क्लास आएगा टेंथ में फिर जाओगे तो इसका बहुत जरूरत पड़ेगा। जहां पर जैसे क्वेश्चन नंबर वन बाय रूट अंडर सेवन, इसको नेशनलाइज करना है, क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में है उसी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट करेंगे, क्योंकि वन टर्म है केवल रूट अंडर सेवन। तो क्या करोगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रूट अंडर सेवन से ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर को रेशलाइज करना है, डिनोमिनेटर से रूट को हटाना है। तो रूट सेवन इंटू रूट सेवन क्या होगा, रूट सेवन इंटू रूट सेवन सेवन, तो इसीलिए हम रूट उसी से प्रोडक्ट किए, यानी आपका डिनोमिनेटर में आ गया सेवन और न्यूमरेटर में बच गया रूट अंडर सेवन, यानी आपका डिनोमिनेटर स्लाइड हो गया। इट इज योर आंसर, रूट सेवन बाय सेवन लिखो या वन बाय रूट सेवन लिखो। तो आर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, वन बाय रूट अंडर सेवन माइनस रूट अंडर सिक्स। अब यहां पर दो टर्म है, कितना टर्म है, दो टर्म, फर्स्ट टर्म रूट सेवन और माइनस सेकेंड टर्म रूट सिक्स। इसके पहला क्वेश्चन में था एक ही टर्म था, तो जब दो टर्म हो तो इसके अपोजिट सिंबल से हम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहां पर माइनस है तो प्लस लेंगे, रूट सेवन प्लस रूट सिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी इसके अपोजिट सिंबल से। वन बाय रूट सेवन माइनस रूट सिक्स को प्रोडक्ट करेंगे रूट सेवन प्लस रूट सिक्स डिवाइडेड बाय रूट सेवन प्लस रूट सिक्स। इसको ब्रैकेट में कर दो और अच्छा रहेगा। क्या किए, क्वेश्चन में डिनोमिनेटर का अपोजिट सिंबल से मल्टीप्लाई किए, न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर दिए। एक लाइन लिखना है तो आप लिख सकते हो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय रूट अंडर सेवन प्लस रूट अंडर सिक्स, यानी दोनों आप इक्वल मल्टीप्लाई कोई भी टर्म में हम कर सकते हैं। ऐसा क्यों किए, क्योंकि डिनोमिनेटर से रूट को हटाना है, तो डिनोमिनेटर में a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्म आया। वी नो दैट a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपका डिनोमिनेटर आ गया रूट अंडर सेवन का स्क्वायर माइनस रूट अंडर सिक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और न्यूमरेटर में रूट सेवन प्लस रूट सिक्स, रूट सेवन प्लस रूट सिक्स। अब आपका डिनोमिनेटर रूट सेवन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट सेवन का स्क्वायर सेवन, और रूट सिक्स का स्क्वायर सिक्स। तो सेवन माइनस सिक्स क्या आ गया डिनोमिनेटर, सेवन माइनस सिक्स डिनोमिनेटर में क्या हो गया वन, तो आपका रूट तो बचा नहीं, हमको डिनोमिनेटर को स्लाइज करना था तो वन लिखने की जरूरत है नहीं, यानी आपका केवल डिनोमिनेटर बच गया, क्या बच गया रूट अंडर सेवन प्लस रूट अंडर सिक्स। इट इज योर आंसर, यहाँ डिनोमिनेटर में केवल वन आ गया, क्या आ गया डिनोमिनेटर में वन आ गया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर थ्री, वन बाय रूट फाइव प्लस रूट टू है, वन बाय रूट फाइव प्लस रूट टू है। यहां पर हम रूट फाइव प्लस रूट टू का अपोजिट सिंबल क्या होगा, प्लस है तो माइनस से प्रोडक्ट करेंगे, यानी रूट फाइव माइनस रूट टू
डिवाइडेड बाय रूट फाइव माइनस रूट टू। अरे अगर प्लस है तो माइनस से करेंगे, माइनस है तो प्लस से करेंगे, यही ध्यान रखना है अगर दो टर्म का हो तब। अब बताओ डिनोमिनेटर क्या हो गया, ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी रूट फाइव का होल स्क्वायर माइनस रूट टू का होल स्क्वायर, क्या बचा है रूट फाइव माइनस रूट टू। तो डिनोमिनेटर में रूट फाइव का स्क्वायर फाइव और रूट टू का स्क्वायर टू, फाइव माइनस टू इजकल टू थ्री, रूट कैंसिल, आने डिनोमिनेटर में आ गया थ्री और न्यूमरेटर में रूट फाइव माइनस रूट टू। न्यूमरेटर में कितनों रूट रहे उससे कोई लेना देना नहीं है, यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो वन बाय थ्री रूट अंडर फाइव माइनस रूट अंडर टू, यही आपका डिनोमिनेटर रेशनलाइज होने के बाद आंसर आ गया। ओके समझ में आ गया।